गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, जिंदाबाद प्यारे साथियों। मैं विक्रांत त्यागी, एसडी परिवार, आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कुशल मंगल होंगे और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे रहे होंगे। शुरुआत करते हैं आज वीकली करंट अफेयर्स का। कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप लोग करने वाले हैं, देखते बेटा फटाफट से। तो चलिए बेटा फटाफट तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। कौन कौन से क्वेश्चंस पिछले पूरे वीक में जो क्वेश्चंस आप लोगों ने रिवीजन किए हैं, क्वेश्चन जो तैयार किए हैं, कल जो आपने रिवीजन किया है, उनका आज रिवीजन होगा। रमेश कुमार, पिंकी, सौरभ कुमार, पंकज यादव, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद और जिंदाबाद। चलिए बेटा तो शुरुआत करते हैं अगले पॉइंट से। सौरभ कुमार सर, हाँ जी भैया, बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं। डेली करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो डेली करंट अफेयर्स में आप लोग स्टैटिक जीएस, वन लाइनर, सभी क्वेश्चंस को आप लोग करते हैं, ठीक है बेटा। सुबह सुबह 5:30 बजे आपकी क्लास शुरू होती है। एक नई क्लास जो आप लोगों को मिलने वाली है, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। लक्ष्य खाकी का टाइमिंग 7 बजे से लेकर अब जो टाइमिंग होगा आपका 10 बजे तक होगा, क्योंकि कल से आप 10 से लेकर बेटा 11:30 बजे तक लगातार आप लोग करेंगे मॉक टेस्ट, वो भी दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल का स्पेशल। और इस क्लास में मैं आपको मिलता हूं बेटा 8 बजे। कितने बजे? 8 बजे मैं आप लोगों को मिलता हूं। चलिए बात करते हैं एसडी कैंपस सरकारी नौकरी का सपना साकार, यानी बोले तो एसडी कैंपस लेकर आया ईडब्ल्यूएस, यानी आर्थिक जो रूप से कमजोर है या भारतीय सेना में जल थल और नभ में कार्यरत है शहीद वीर के पुत्र पुत्रियों के लिए निशुल्क कोचिंग की सहायता आप लोगों के लिए। अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं डायल कर सकते हैं। एसडी कैंपस की पूरी टीम जो आपके लिए तत्पर है तैयारी के संदर्भ में। आज का पहला क्वेश्चन रिवीजन में आपके सामने बेटा। चलिए अब शुरुआत कर दिए, ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्वेश्चंस फटाफट से है, आंसर बताते जाएंगे फटाफट से, आंसर क्या होने वाले हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रीतम पोदार, राम राम, जय हिंद, जिंदाबाद मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर, समय बहुत कम रह चुका है। रोमन चौधरी, गुड मॉर्निंग, समय कम है, तैयारी बड़ी है, तैयारी बड़ी है, जीत की तैयारी बड़ी करनी पड़ेगी, है ना, तो उस हिसाब से आंसर भी आएगा। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ सेकंड का निधन 8 सितंबर को किस राष्ट्र या किस नेशन में हुआ? 8 सितंबर को किस राष्ट्र किस नेशन में हुआ? जल्दी, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ सेकंड, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ सेकंड का निधन 8 सितंबर को किस राष्ट्र में हुआ? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स या बेटे नॉर्दर्न आयरलैंड। तो आपने क्वेश्चन को समझ लिया होगा, चीज़ों को जान लिया होगा, काफ़ी विवादित मुद्दे हैं। कुछ लोगों का कहना यह है, है ना, जैसे ही महारानी का देहांत हुआ तो एक कोहिनूर के हीरो की हीरा जो है बेटा, उसकी काफ़ी ज़्यादा विवादित चीज़ें सामने आने लगी कि जो कोहिनूर का हीरा है वो किसका है। पाकिस्तान की बात करें, तालिबान अलग अपनी बात करता है, बांग्लादेश अलग बात करता है, अफगानिस्तान अलग बात करता है, तो हर किसी की चीज़ें अलग अलग हैं। लेकिन अगर बुद्धिजीवी को बताया जाए कि अगर बात करते हैं कोहिनूर के हीरे की, तो वो किस खान से निकाला गया था? वो गोलकुंडा की खानों से निकाला गया था, आंध्र प्रदेश। अंकुर चौधरी, गुड मॉर्निंग मेरे भाई। अंकुर चौधरी, तैयारी पर ध्यान दो भाई। चलिए 8 सितंबर की अगर बात करते हैं, है ना, 8 सितंबर की अगर बात करते हैं, आपको पता है वर्ल्ड लिटरेसी डे भी होता है। क्या होता है बेटा? वर्ल्ड लिटरेसी डे भी होता है, वर्ल्ड लिटरेसी डे, है ना, 8 सितंबर को बेटा क्या वर्ल्ड लिटरेसी डे भी होता है, 8 सितंबर को। इसी दिन क्या हो गया, ब्रिटेन की महारानी का देहांत हो गया और ये स्कॉटलैंड में हुआ। कहाँ पर हुआ? स्कॉटलैंड में ये हुआ भैया, क्लियर है। यहाँ पर अगर पूछता है कभी कभी, इंग्लैंड है, इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने कल भी किया था कि जो इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, तो बेटा ये किस, लंदन किस नदी के किनारे है? चलिए, जो लंदन है ये किस नदी के किनारे होगा, अगर ऐसे पूछो तो क्या बताओगे? लंदन किस नदी के किनारे है? फटाफट से, लंदन किस नदी के किनारे है, आंसर चाहिए किसी बच्चे का। आंसर कहाँ है सारे चीज़ें मॉर्निंग में, आज 8 सितंबर वर्ल्ड लिटरेसी डे कई बार कराया है। और कल अगर बात करते हैं 16 सितंबर की, है ना, किसकी? 16 सितंबर की बेटा O3 ओजोन डे होता है, है ना, O3 डे बोले तो ओजोन डे होता है। और बताया था जो ओजोन डे होता है बेटा, है ना, जो ओजोन डे होता है वो कब का होता है? 16 सितंबर का होता है। और ओजोन की मोटाई डॉब्सन यूनिट में होती है, किस में? ये डॉब्सन यूनिट में होती है, डॉब्सन यूनिट में होती है, ठीक है बेटा। और ये अल्ट्रा यूवी रेस से बेटा, किससे? यूवी, है ना, O3 जो है बेटा आपको यूवी, हमें यूवी रेजेस जो होती हैं उससे बेटा बचाती है। लंदन बेटा थेम्स पर है, लंदन किस पर है? थेम्स, लंदन थेम्स पर होगा भैया, है ना, चलिए थेम्स, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं। अच्छा, अगर पूछे एक्स रेज, क्या पूछ ले, अगर आपसे पूछ ले बेटा एक्स रेज की खोज किसने की थी, एक्स रेज की खोज किसने की थी, तो क्या बताओगे? एक्स रेज विलियम रोएंटजन, विलहेम
विलहेम रोइंटजेन रोइंटजेन एक्सरे एक्सरेज की जो खोज की थी वो विलियम रोइंटजेन ने की थी। 16 सितंबर O3 डे होता है, ओजोन डे होता है, डॉब्सन यूनिट होती है, अल्ट्रावायलेट रेज से हमें ये बचाती है। इंग्लैंड लंदन है और थेम्स रिवर है, ये वर्ल्ड लिटरेसी डे है और ये स्कॉटलैंड है। क्या है? स्कॉटलैंड है, है ना। अभिनव दीक्षित नमस्कार मेरे भाई। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, एक एक पॉइंट्स करते जाएंगे, पता नहीं कब कहां से क्या क्वेश्चन पूछे। स्टैटिक जीएस की बात करें, वन लाइनर की बात करें, तो इनको बेटा ध्यान से देखते जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर टू, ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम के नए सम्राट, नए किंग कौन है? हु इज द न्यू किंग ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन या फिर यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन के नए सम्राट कौन है? फटाफट से बताएंगे। और अगर पूछता है आप लोगों से ब्रिटेन के पहले पीएम का नाम, ब्रिटेन के पहले पीएम का नाम, तो ब्रिटेन के अगर पहला पीएम पूछे तो क्या बताओगे? रॉबर्ट वॉलपोल होगा क्या भैया? ब्रिटेन के पहले पीएम कौन होंगे? रॉबर्ट वॉलपोल। क्लियर, रॉबर्ट वॉलपोल होंगे ब्रिटेन के पहले पीएम, या दुनिया के पहले पीएम भी बोलते हैं इनको, दुनिया के पहले पीएम भी कहा था, दुनिया का पहला पीएम। विश्व का ऐसा देश जिसका कभी सूर्य अस्त नहीं हुआ, तो कौन सा जगह बेटा? ये भी क्या होगा ब्रिटेन। और ये चार्ल्स थर्ड आंसर होगा। क्लियर है, चार्ल्स थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, ब्रिटेन के पहले, दुनिया का पहला पीएम, विश्व का ऐसा देश जिसका कभी सूर्यास्त नहीं हुआ। चलिए एक क्वेश्चन और बताएंगे यहीं पर। प्लासी 23 जून 1757, प्लासी का युद्ध, वॉर ऑफ प्लासी, 23rd of June 1757, ठीक है 1757। ये एक क्वेश्चन यहीं पर ऐड करेंगे, प्लासी कहां स्थित है। अगर प्लासी का पूछा, प्लासी कहां पर होगा बेटा? वेस्ट बंगाल। वॉर ऑफ प्लासी, ये वो युद्ध है, वॉर ऑफ प्लासी का वो युद्ध है जब भारत में, ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें, जिसने पूर्ण रूप से अपने पैर जमा लिए थे। और 1757 के बाद 1857, है ना, स्वतंत्रता संग्राम की पहले क्रांति की अगर बात करें तो पैर उखड़ने शुरू हो गए थे सही सौ साल बाद, यानी 100 वर्षों के बाद पैर उखड़ने शुरू हो गए, है ना। 1857 में क्या हुआ बेटा? वॉर ऑफ प्लासी हुआ। 1800 में क्या हो गया? 57 में क्या हो गया? पैर उखड़ने शुरू हो गए। और इन बिटवीन इन्होंने 1853 में, 16 अप्रैल एग्जैक्ट डेट होगी, और 1853 में, 1853 में रेल चली। क्या चली भारत में? रेल, भारतीय रेलवे, यानी भारत का अगर रेल की बात करें तो कब बेटा? ये आपका 1853, ठीक है बेटा, बॉक्सर बिहार में, बिल्कुल सही है। चलिए अगले पॉइंट की, तो इतने सारे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद को लेकर किन राज्यों के मुख्यमंत्री को मीटिंग करने को कहा, तलब करने को बोल दिया? था सुप्रीम कोर्ट आज द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ विच स्टेट्स होल्ड अ मीटिंग रिगार्डिंग द सतलुज यमुना लिंक SYL लिंक कैनल डिस्प्यूट। सभी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, जिंदाबाद। चलिए, हाँ बेटा, बंबई टू थाना 32, बिल्कुल सही, 6th फ्लोर। गुड मॉर्निंग मेरे भाई सभी, रोहित भाई गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन क्या होगा फटाफट क्वेश्चन में? तो पंजाब एंड हरियाणा, करेक्ट आंसर इज क्या हो जाएगा भैया? पंजाब और हरियाणा। ठीक है बेटा, पंजाब हरियाणा। अब यहाँ पर चलते चलते फटाफट से, है ना, आपको क्या बताना है, एक तो फटाफट से यहाँ पर पंजाब के सीएम का नाम, उसके बाद हरियाणा के सीएम, पंजाब के जो मुख्यमंत्री वो कौन है?
तो पंजाब के मुख्यमंत्री आप लोगों को पता बेटा, भगवंत मान। और हरियाणा के कौन है भैया? मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर, ठीक है भैया। पंजाब और हरियाणा, मनोहर लाल खट्टर, भगवंत सिंह और मनोहर लाल खट्टर। भारत की सबसे बड़ी नहर का नाम? भारत की सबसे बड़ी नहर का नाम, भारत की सबसे बड़ी नहर का नाम, भारत की सबसे बड़ी, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। भारत की सबसे बड़ी नहर का नाम क्या बताओगे फटाफट से? भारत की सबसे बड़ी नहर का नाम नहीं आ रहा, लिख लेंगे बेटा, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर, क्लियर बेटा? इंदिरा गांधी नहर, पॉइंट करेंगे चेंज। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बिरजू शाह का निधन 3 सितंबर 2022 को हो गया। बिरजू शाह का निधन 3 सितंबर 2022 को हो गया। वह इनमें से क्या थे? बिरजू शाह पास्ड अवे ऑन 3rd September 2022। व्हाट वाज ही? क्रिकेटर, मुक्केबाज, फुटबॉल और निशानेबाज। तो सिंपल सी बात आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या थे बेटा? एक बॉक्सर थे। क्या थे? बॉक्सर थे। मैंने क्वेश्चन बताया था ओलंपिक में, ओलंपिक में अब तक बॉक्सिंग में कितने मेडल जीते हैं? बॉक्सिंग में कितने पदक जीते गए? बॉक्सिंग में कितने पदक जीते गए? तो बेटा जो बॉक्सिंग में है वो 3 पदक होंगे। कितने होंगे? 3 पदक होने वाले हैं बॉक्सिंग में। कितने हैं बेटा? 3 पदक हैं बॉक्सिंग में आपके पास अब तक। सबसे पहला मेडल किसने था? सबसे पहला मेडल सबसे पहला मेडल सबसे पहला मेडल तो सबसे पहला मेडल बेटा किसके पास है? चलिए सबसे पहले मेडल की बात करें, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। 2008 विजेंद्र कुमार, 2008 विजेंद्र कुमार के पास होगा। किसके? विजेंद्र कुमार। डिपेंड करता है कि आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, आप तैयारी किस हिसाब से कर रहे हैं, है ना? तो आपको करना क्या है कि क्वेश्चंस को फोकस करते हुए उन क्वेश्चंस पर ध्यान देना है जो आगामी परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्लियर है? देखिए रवि दहिया, दिनेश कुमार जी, रवि दहिया, ये बॉक्सिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, है? किसकी बात कर रहे हैं? बॉक्सिंग की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट विजेंद्र हो जाएगा, अगला एक मैरी कॉम और उसके बाद लव लीना, दूसरे पे आएगा मैरी कॉम और उस पर आएगा बेटा लव लीना बोहेरगोइन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स के क्वेश्चन के ऊपर आपको फोकस करना है, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से किस प्रकार से पूछ सकता है। अगर यहाँ पर बात करें कि ओलंपिक गेम्स में पहला पदक किसने जीता था? ओलंपिक में पहला पदक किसने जीता था? तो वो जब से ओलंपिक शुरुआत हुई है। अगर फिर पूछता है कि बेटा ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत गोल्ड किसने जीता? पहला व्यक्तिगत गोल्ड। देखिए भैया मिल्खा सिंह, अर्जुन सिंह कैसे जीतेंगे बेटा? कोई दिक्कत नहीं है, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस है ना। चलिए
अरे भाई आप लोग कहे हम ओलंपिक की बात कर रहे हैं, आप कहाँ कॉमनवेल्थ पे चल गए, कहाँ खो रहे हैं? इसका आंसर क्या होगा बेटा? गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, इसका होगा केडी जाधव, केडी जाधव। और बेटा पहला होगा अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा, क्योंकि पहले गोल्ड की बात कर रहा है और सिर्फ पहले मेडल की। चलिए तो पॉइंट आपके सामने है, क्वेश्चंस आप लोगों को बता दिया गया, ठीक है। तो ओलंपिक खेलों में अगर बात करें, पहले पदक की बात करते हैं, तो ओलंपिक में पहला मेडल केडी जाधव के पास है। और ये कुश्ती में है, किस में है? ये कुश्ती के अंतर्गत है, रेसलर है। उसके बाद ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत तो गोल्ड की बात करें तो ये अभिनव बिंद्रा के पास है। किसके पास है? अभिनव बिंद्रा। दूसरा आपके बताया जिसको गोल्डन बॉय के नाम से, नीरज चोपड़ा। गोल्डन बॉय क्या भैया? नीरज चोपड़ा के पास है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो उनका संबंध किससे है? मुक्केबाजी से है। नेक्स्ट, इंडिगो के नए सीईओ कौन बना दिए गए हैं? इंडिगो के नए सीईओ कौन बनाए हैं, तो क्या बताओगे फटाफट जल्दी? पॉइंट करो चेंज। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जिंदाबाद। आंसर तो फटाफट से, आंसर क्या है? पीटर एल्बर्स, पीटर एल्बर्स। चलिए अगर आपसे पूछता है गूगल के सीईओ, गूगल के सीईओ, तो क्या बताओगे? गूगल के सीईओ जल्दी, सुंदर पचई। सुंदर पचई गूगल क्या भैया? सुंदर पचई। एप्पल, एप्पल। टिम कुक, एप्पल कौन है भैया? टिम कुक। टेस्ला, एलॉन मस्क, एलॉन मस्क। फेसबुक, मार्क जुकेंसबर्ग, मार्क जुकेंसबर्ग। तो इंडिगो के कौन है बेटा? पीटर एल्बर्स, पीटर एल्बर्स। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? चलिए तो शीर्ष स्थान पर कौन रहा है फटाफट से बताएंगे, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और इंडिया। आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और इंडिया, तो शीर्ष यानी नंबर वन पर कौन चला गया, किस में बेटा? आपके यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। कई बार पूछता है HDI की फुल फॉर्म, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। द करेक्ट आंसर इज, चलिए सभी को गुड मॉर्निंग, द करेक्ट आंसर इज स्विट्जरलैंड। आंसर क्या होगा? स्विट्जरलैंड। जबकि जो नॉर्वे है वो नंबर दो पे होगा, नॉर्वे नंबर दो पे है, और इंडिया, इंडिया नंबर किस पे है? 132। भारत 132 पे होने वाला है, स्विट्जरलैंड नंबर वन होने वाला है, ठीक है। और नॉर्वे किस पे है? नंबर दो पे, नॉर्वे नंबर दो पे है। क्लियर है कौन सा नंबर? मानव विकास सूचकांक की अगर बात करें, मानव विकास सूचकांक की अगर बात करें, तो मानव विकास सूचकांक 1990 है। मानव विकास सूचकांक बेटा 1990 में महबूब उल हक ने दिया, महबूब उल हक और इनके साथ हमारे अमर्त्य सेन, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन और महबूब उल हक ने दिया था। और महबूब उल हक कहाँ के, किस देश के भैया? पाकिस्तान के। तो इन्होंने दिया था 1990 में क्या भैया? मानव विकास सूचकांक। महबूब उल हक और अमर्त्य सेन ने दिया था बेटा क्या आपका सिद्धांत, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, मानव विकास सूचकांक का दिया था। एक शब्द आया पाकिस्तान, क्या आया? एक शब्द आया पाकिस्तान यानी पाक। इस पाक शब्द का जनक किसे कहा जाता है? पाक शब्द का जनक किसे कहा जाता है? चलिए तो पाक शब्द का जो जनक है वो किसे कहा जाएगा फटाफट से जल्दी? चौधरी रहमत अली, चौधरी
रहमत अली, क्लियर, चौधरी रहमत अली, कोई दिक्कत नहीं। एक एक नंबर का क्वेश्चन है। पाकिस्तान के वर्तमान प्रेसिडेंट और पीएम, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी, प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ। आरिफ अलवी और शहबाज क्या है? शरीफ है। आरिफ अलवी और शहबाज शरीफ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान के लिए 450 मिलियन डॉलर के पैकेज की घोषणा की है? चलिए फटाफट से, हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान के लिए 450 मिलियन डॉलर की पैकेज की घोषणा करी है? तो चीन, इम्पॉसिबल, ठीक है। सिंगापुर, नहीं, इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका करेगा बेटा पाकिस्तान के लिए 450 मिलियन डॉलर की घोषणा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे फटाफट से, 7 क्वेश्चन हो चुके हैं, 8 क्वेश्चन। हाल ही में HDFC बैंक ने किस राज्य में बैंक ऑन व्हील्स का अनावरण किया है? HDFC ने, तो बेटा कहां पर करेगा? असम, गुजरात, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज गुजरात। कहां पर होगा भैया? गुजरात में होने वाला है। HDFC बैंक ने किस राज्य में बैंक ऑन व्हील्स का अनावरण किया है? गुजरात में किया है, ठीक है ना भैया। चलिए, कहां पर किया भैया? गुजरात में किया है, मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार उच्चायुक्त कौन बने हैं? हाल ही में, ध्यान से बताना बेटा आंसर क्या होगा फटाफट से। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार उच्चायुक्त कौन बने हैं? बीके त्यागी, पीटर एल्बोस, वॉलकर तुर्क, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज वॉलकर तुर्क। मानव अधिकार डे कब मनाया जाता है, या मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो क्या बताएंगे? मानव अधिकार दिवस, बैंक ऑन व्हील्स का मतलब होता है, व्हील्स मतलब बेटा पहिए, और जो बैंक होंगे वो गाड़ी में होंगे। आपको बैंक के पास तक नहीं जाना, एक बैंक के लिए निश्चित जगह बना दी जाएगी, और जो बेटा जिसे बोलते ना एक चलता फिरता क्या आपका बैंक, वो आपके द्वार आके खड़ा होगा। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को होता है। मानव अधिकार दिवस कब होगा? 10 दिसंबर को होगा मानव अधिकार दिवस। इसका आंसर है वॉलकर तुर्क। क्या भैया? वॉलकर तुर्क इसका आंसर है, ठीक है, मानव अधिकार दिवस, इसका आंसर है वॉलकर तुर्क। नेक्स्ट, किस देश की संसद ने 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 43% तक कम करने का संकल्प के मद्देनजर सरकारी कानून पारित कर दिया है? विच कंट्रीज पार्लियामेंट पासिस गवर्नमेंट लेजिस्लेशन इन व्यू ऑफ ए प्लीज टू रिड्यूस ए कार्बन इमिशन बाय 43% एंड 2030। द करेक्ट आंसर इज जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड कैनेडा। कुछ बच्चे आंसर अभी गलत कर रहे हैं, ठीक है, वीकली रिविजन करा रहा हूँ, पूरे हफ्ते का है, 100 क्वेश्चन के आसपास है, वहाँ भी गलती हो रही है, इसका मतलब समझ लो क्या होने वाला है। द करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया इसका सही जवाब होगा। कितने बच्चे, बहुत ही जल्द अगर बात करें SD कैंपस की, आपके लिए बहुत जल्दी सरप्राइज मिलने वाला है, और ख़तरनाक सरप्राइज है। आपकी तैयारी किस लेवल की है, मैं दोनों बैचेस में, मॉर्निंग में सुबह 5:30 और इवनिंग में जो हमारा बैच चल रहा है लक्ष्य खाकी, वहाँ पर सर आपने रात क्लास नहीं लगाई सर, बेटा 2 दिन अगर बात करें सैटरडे और संडे की, अगर बात करें तो सैटरडे और संडे मैराथन क्लास होती है, इसलिए क्लास नहीं होती मेरी, मॉर्निंग में सिर्फ क्लास होती है, ठीक है बेटा। चलिए पॉइंट करेंगे चेंज, अब समझेंगे। ऑस्ट्रेलिया हो गया, अब अगर पूछे ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान PM कौन है, फटाफट से ऑस्ट्रेलिया के PM कौन है, कितने बच्चों का आंसर आएगा फटाफट? ऑस्ट्रेलिया के PM कौन है? और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, अक्सर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे बेटा, है ना।
हाँ 2 दिन। चलिए एंथोनी, एंथोनी अल्बनीज। एंथोनी अल्बनीज, एंथोनी अल्बनीज लेबर पार्टी, लेबर पार्टी, एंथोनी अल्बनीज लेबर पार्टी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुर्लभ बीमारियों वाले SC ST रोगियों के लिए मौद्रिक सहायता की घोषणा करी है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुर्लभ बीमारी वाले SC ST रोगियों के लिए मौद्रिक मौद्रिक सहायता की घोषणा की है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड मॉनेटरी असिस्टेंस फॉर SC ST पेशेंट विद द रेयर डिजीज? विद द रेयर डिजीज द करेक्ट आंसर इज कर्नाटका। किस कौन करेगा भैया? कर्नाटका करेगा। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में प्रधानमंत्री ने टीबी मुक्त अभियान, हाल ही में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान किसने शुरू किया है? नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, अमित शाह? अमित शाह या इनमें से कोई? करेक्ट आंसर इज DM द्रौपदी मुर्मू करेंगी, DM साहिबा करेंगी। कौन करेंगी? DM साहिबा करने वाली हैं। DM बोले तो द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू सी नहीं, अमित शाह नहीं, द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फाल्गु नदी पर भारत का सबसे लंबा रबर बांध, रबर डैम, देश का सबसे लंबा रबर बांध का उद्घाटन किया है? देश का सबसे लंबे रबर डैम का उद्घाटन किया है? बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश? बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? द करेक्ट आंसर इज बिहार। बिल्कुल सही। जिन बच्चों का आंसर बिहार है, बिल्कुल सही है, बिहार इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 5वीं भारत अमेरिका समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? वेयर हैज द 5th इंडिया यूएसए मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग बीन हेल्ड रिसेंटली? मुंबई, वाशिंगटन DC, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं, द करेक्ट आंसर इज, चलिए इंडिया यूएसए, इसका आंसर होगा न्यू दिल्ली। दिन बच्चों को पता है, दिन बच्चों का रिवीजन चल रहा है खतरनाक तरीके से, उनको पता हो, द करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अगला क्वेश्चन बेटा ये रहा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, पहली बात तो केंद्रीय मंत्री कौन है? नितिन गडकरी, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है। क्वेश्चन को देखते जाएंगे बराबर से, है ना। 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का मंथन उद्घाटन किया, मंथन था बेटा, एक राष्ट्रीय सम्मेलन था, मंथन मंथन करना था, इस मंथन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? मंथन का पुणे, इंदौर, हैदराबाद और बेंगलुरु, तो कहाँ पर होगा? ये आपका पुणे, हैदराबाद, ये होगा बेंगलुरु। कहाँ पर होगा बेटा? बेंगलुरु बोले तो कर्नाटक, बेंगलुरु बोले तो बेटा कर्नाटक। फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। स्वामी विवेकानंद ने बेटा किस वर्ष शिकागो में उत्कृष्ट भाषण दिया था? पहली बात तो ये अमेरिका की बात कर रहा है, और शिकागो में धर्म धर्म बात करें तो बेटा एक धर्म सम्मेलन था, जिसमें बेटा किसने, स्वामी विवेकानंद ने बेटा किस वर्ष यह उत्कृष्ट भाषण दिया था? भाषण दिया था यानी कि 11 सितंबर 1893, 12 सितंबर 1893, 9 सितंबर 1893, 8 सितंबर 1893। द करेक्ट आंसर इज 11th of September, 11 सितंबर 1893, 1893 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये रहा, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में श्री यूवी कृष्णम राजू गारू का निधन हुआ, इनका संबंध किस क्षेत्र है? सिनेमा, खेल, साहित्य, राजनीति? तो इनका आंसर होगा सिनेमा। किससे होगा? सिनेमा से इनका संबंध होगा, ठीक है बेटा, सिनेमा संबंध होगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनने वाले हैं बेटा, है ना। यूवी कृष्णम राजू गारू का निधन, यहाँ पर तो सिर्फ एक हफ्ते का रिवीजन। अभिषेक यादव गुड मॉर्निंग मेरे भाई, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, जिंदाबाद, और सभी लोगों को ढेर सारा प्यार। जो पूरा एक हफ्ते का रिवीजन लेके चल रहे हैं, बस उनको एक बार देखते जाना है, ठीक है बेटा। चलिए सिनेमा हो गया। आचार्य विनोबा भावे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आचार्य विनोबा भावे की जयंती 11 सितंबर को मनाई गई। इनके द्वारा दिया गया नारा कौन सा था? इनके द्वारा दिया गया नारा कौन सा था? जय जगत, जय किसान, जय जवान, जय भगत। तो करेक्ट आंसर होगा जय जगत। आंसर क्या है? जय जगत। आपका तो आंसर लेट आता है ना, लेट आता है। अगला क्वेश्चन, यहां पर एक क्वेश्चन और बता दो, मन है तो पूछना पड़ेगा, किसान दिवस कब मनाते हैं? किसान दिवस कब मनाते हैं? किसान दिवस, तो किसान दिवस की अगर बात करें तो किसान दिवस कब मनाते हैं? और यहीं पर एक क्वेश्चन और आगे लेके चलेंगे। जय जगत, बिल्कुल सही है, किसान दिवस कब मनाते हैं? जय 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 जगत, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड। अरे बाबा गलत काहे बताते हैं आप लोग, समझ में नहीं आती। आपसे पूछा सिर्फ किसान दिवस कब मनाते हैं तो गलत बताना शुरू कर दिया। एक क्वेश्चन पूछते हैं वहीं पर आप दिक्कत करते हैं, अब हम पूछना ही बंद कर देंगे ना। 21 मार्च,
सोच समझ से बताना होता बेटा ना, किसान दिवस। और ये वो लोग हैं जो नारा लगाते हैं किसान दिवस का, और आंसर बता रहे हैं क्या, 21 मार्च। शाबाश। तो जो किसान दिवस है वही हमें प्रॉब्लम करता है, बाकी तो बात की बात है बेटा। आंसर क्या होगा? वेरी गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। और यही वो क्वेश्चंस होते हैं जहां पे आपको बेटा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली होती है, और इसका जो आंसर होगा ये 21 मार्च आप लोग बता रहे हो, बहुत अच्छी बात है। पंकज यादव डटे रहे हैं। और 23 दिसंबर क्या होगा? 23 दिसंबर क्लियर। अभिषेक यादव जी गुड मॉर्निंग, 23 दिसंबर इज अ करेक्ट आंसर। ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं और बहुत परेशान करते हैं। ये जो कॉपी पेस्ट बच्चे कर रहे हैं ना, किसी ने 21 मार्च बता दिया तो आप कॉपी पेस्ट आपको खुद बताना चाहिए आप क्या गलती कर रहे हैं। 23 क्या है? दिसंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 साल की ईगा ने US ओपन अपने नाम किया, ये किस देश की खिलाड़ी हैं? तीन क्वेश्चन यहाँ पर क्रिएट हुए हैं। पहली बात तो 21 साल की हैं, ईगा हैं, और US ओपन अपने नाम कर लिया है, US ओपन नाम कर लिया है, क्लियर है बेटा? यही चीज़ आप लोगों को समझा रहा हूँ, आप समझो मेरी बात, क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट कितना है। चलिए, हाँ बिल्कुल, चौधरी चरण सिंह, अपने चौधरी साहब जी का के उसमें याद में मनाया जाता है, ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। ईगा हैज़ वोन द US ओपन आफ्टर 21 ईयर्स। विच कंट्रीज प्लेयर दिस? अमेरिका, ब्रिटेन, पोलैंड एंड इटली। द करेक्ट आंसर इज वेरी गुड, बहुत बढ़िया, पोलैंड। आपने एक नाम सुना होगा, मैडम क्यूरी। इन्होंने पोलेनियम को जो नाम है वो पोलैंड के नाम पर ही था। जो पोलेनियम नाम दिया था वो पोलैंड के नाम पर ही था, पोलेनियम पोलैंड, मैडम क्यूरी। 2022 IDF वर्ल्ड डेयरी समिट का आयोजन कहां होगा? वेयर विल द 2022 LDF वर्ल्ड डेयरी समिट ऑर्गेनाइज? लखनऊ, नोएडा, कानपुर, ग्रेटर नोएडा। आंसर चाहिए फटाफट से, ठीक है? ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन में जो भारत है वो नंबर वन पे है, इंडिया नंबर वन, यूपी नंबर वन, भारत में यूपी नंबर वन, वर्ल्ड में इंडिया नंबर वन। और आंसर ग्रेटर नोएडा। और एक चीज और अगर पूछे आपसे, ये लिख दिया मैंने नोएडा, कितने चीते ऐसे हैं जो नोएडा की फुल फॉर्म बताएंगे? कितने चीते ऐसे हैं चलते चलते नर्सरी क्लास के, और चीते कल नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस पर, ठीक है ना, 8 चीते आपके कूनो नेशनल पार्क में आ चुके हैं, और 2023 में उनको पब्लिक के लिए आम यानी खोल दिया जाएगा, आम कर दिया जाएगा। चलिए, भारत में यूपी नंबर वन, ग्रेटर नोएडा तो ठीक है, नोएडा की फुल फॉर्म पूछी थी आप लोग नहीं बता रहे ना, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। एक बार फिर नोएडा की फुल फॉर्म क्या होगी? नोएडा, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी नोएडा की क्या है, ये एक फुल फॉर्म है, क्लियर है? चलिए, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल। पंकज यादव बहुत बढ़िया, प्रीतम पोदार बिल्कुल सही, हाँ आप कह सकते हैं बिल्कुल सही है, लेकिन गलती कहीं ना कहीं हमारी भी है, ठीक है? इस पर ज़्यादा डिबेट करने का समय नहीं है, और ना ही ये फ्यूटाइल में बात करूँगा। राहुल कुमार आप समझ गए होंगे। चलिए, अगर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, चलिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मुख्यमंत्री ने हर गांव में स्टेडियम बनाने की घोषणा कर दी? हर गांव में क्या होगा? स्टेडियम होगा, ऐसा कह दिया है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। अमरोहा, बागपत, बड़ौत और सहारनपुर। द करेक्ट आंसर 8। चलिए, सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है बागपत, ठीक है? बागों का पत, बागपत के हर गांव में एक स्टेडियम बनने वाला है ना। अगर पूछे विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम तो क्या बताओगे?
विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम? जल्दी नमो, वेरी गुड, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम गुजरात। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर भैया? गुजरात। नेक्स्ट, भोजपुरी लोक नृत्य के रामचंद्र मांझी का निधन हो गया कितने वर्ष की उम्र में हुआ? कितने वर्ष की उम्र में? फटाफट से, इतना समय नहीं लगाना, आंसर बताना है बहुत जल्दी। द करेक्ट आंसर इज, जल्दी फटाफट से आंसर क्या हो जाएगा? 97। बहुत बढ़िया, 97। क्लियर, भोजपुरी लोक नृत्य के रामचंद्र मांझी का निधन हो गया और किस वर्ष में हुआ? 97, 97 वर्ष की उम्र में इनका क्या हो गया? निधन हो गया है कि भैया निधन इनका हो गया। अगला क्वेश्चन ये रहा बेटा, फटाफट से, हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ फूलों का मेला, इसका नाम क्या है? फुचल, घाटी, आदर्श या नन ऑफ दीज? नन ऑफ दीज, समय नहीं है इतना भैया। हिमाचल प्रदेश के तब तक फटाफट से मुख्यमंत्री का नाम, तो मुख्यमंत्री जी कौन हो जाएंगे हमारे? जयराम जी हो जाएंगे। जयराम क्या भैया? ठाकुर, जयराम ठाकुर जी हैं। उसका नाम है बेटा क्या? फुलेच। क्या होगा? फुलेच इज द करेक्ट आंसर, फुलेच। क्लियर, अगला क्वेश्चन फटाफट से, एस सी ओ का गठन किस वर्ष किया गया था? एस सी ओ वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर? 2002, 2001, 2003, 2010। तो जो एस सी ओ था बेटा वो कब? 2001 में होगा एस सी ओ। संघाई, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन 2001। बिल्कुल सही। एशिया कप के फाइनल मैच में श्रीलंका ने पाकिस्तान को कितने रनों से पीला हराया? By how many runs did Sri Lanka beat the Pakistan the final match also in Asia Cup? ये Asia Cup हुआ कहाँ था? Asia Cup हुआ, Asia Cup कहाँ हुआ था? Asia Cup का आयोजन कहाँ हुआ? आयोजन कहाँ हुआ था? Asia Cup का आयोजन कहाँ हुआ था? या ये Asia Cup कहाँ हुआ था? Asia Cup कहाँ हुआ था? या इसका आयोजन कहाँ हुआ था? है ना, आंसर क्या होगा? 23। और जो आयोजन है कहाँ पर? यू ए ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी रिजाइन द कॉल स्टेट यूनिट द डायरेक्शनलेस एंड द कंफ्यूज्ड? किस राज्य के कांग्रेस के महासचिव ने इस्तीफा दिया और राज्य को, इकाई को दिशाहीन और भ्रमित बताया? चलिए, भ्रमित बताया और दिशाहीन बताया। आंसर नहीं आ रहे हैं ताबड़तोड़ तरीके से, आंसर होगा असम। अरे फटाफट से पहला आंसर भाई साहब, क्या होगा? असम। अगला क्वेश्चन ये रहा फटाफट, एंटीगुआ बारबुडा योजना के भीतर गणतंत्र बनने पर जन्म संग्रह कराने की नीति बनाई है कितने वर्ष के अंदर अंदर? कितने वर्ष के अंदर अंदर? 3 वर्ष के अंदर। कितना? 3 साल, 3 वर्ष। तब तक तो आंसर आप लोगों का आ जाना चाहिए। नेक्स्ट, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश को सेमीकंडक्टर, है ना, गेंडा स्वामी के फ्यूज कंडक्टर तो हमारे पास है, मिसाइल उड़ेगी कैसे? निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। भारत, जापान, रूस और चीन। भारत, जापान, रूस और चीन, सेमीकंडक्टर। अब जो बाइडेन ने इस बार सेमीकंडक्टर निकाल लिए हैं और कह दिया है चाइना को कि हम आगे कुछ भी नहीं करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है। अगर आपसे पूछे स्टडी ऑफ मिसाइल, मिसाइलों का अध्ययन किसे कहते हैं? द स्टडी ऑफ क्या भैया? मिसाइल, मिसाइल अध्ययन। बैलास्टिक्स होगा, ध्यान रखना, बैलास्टिक्स। क्या बोलेंगे? बैलास्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में स्थित किबूथू मिलिट्री कैंप का नाम बदलकर देश के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है? जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। किबूथू मिलिट्री कैंप लोकेटेड इन विच स्टेट वॉज रीनेम्ड आफ्टर द कंट्रीज फर्स्ट सीडीएस जनरल बिपिन रावत? अरुणाचल। सिंपल सी बात है, किबूथू, अरे मिसाइलोलॉजी, ये देखो, नहीं, ये नई चीज़ आगे कह रहा, मिसाइलोलॉजी। अरे भैया बैलास्टिक्स बोलते हैं, हर चीज़ के पीछे लॉजी जरूरी नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। क्लियर, अरुणाचल, अरुण का आंचल, अरुणाचल प्रदेश। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, किस पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का निधन 11 सितंबर 2022 को हो गया? किस पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का निधन 11 सितंबर 2022 को हो गया? विच पीठ शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती पास्ट अवे ऑन 11 ऑफ सितंबर 2022?
द्वारका पीठ, ज्योतिष पीठ, काशी पीठ, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। द करेक्ट आंसर इज क्या हो जाएगा बेटा, ए एंड बी बोथ, यानी कि द्वारका और बेटा ज्योतिष, ए और बी बोथ। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति ने गुलाम अली को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट कर दिया, कर दिया कोई दिक्कत नहीं है, वो किस यूनिट यूटी से हैं, तो किस यूटी से होगा, जम्मू कश्मीर से होगा, किससे, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें आर्टिकल 370 35 से 31 अक्टूबर 2019 की बात करें, कश्मीर के अकबर की बात करें, कश्मीर के राजा की बात करें, मुजफ्फराबाद हुआ, पीओके की बात करें, उसकी राजधानी की बात करें, भारत में कब मिला गया, कब्जा कब किया गया, राजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर कब किए, विलय पत्र पर शामिल किया गया, ये एक एक चीज़ मैं अपनी क्लास में बता चुका हूँ, यहाँ गड़बड़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अभी हम लोग रिविजन के तौर पर कर रहे हैं, तो फटाफट से देखना जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर। राज्यसभा के लिए जो एज है, मिनिमम एज ऑफ राज्यसभा, फटाफट से आंसर बताओ, राज्यसभा के लिए मिनिमम एज कितनी है, इतना समय निकलना चाहिए, राज्यसभा के लिए मिनिमम एज कितनी है, इतना समय कैसे लग रहा है बेटा, राज्यसभा के लिए मिनिमम एज क्या होने वाली है, बिल्कुल जो राज्यसभा के लिए मिनिमम एज कितनी होगी बेटा, 30 होगी, कितनी 30 एज होगी राज्यसभा के लिए मिनिमम, राज्यसभा के लिए मिनिमम एज कितनी होगी भैया, 30 वर्ष होने वाली है, कितने वर्ष है, 30 वर्ष है मिनिमम एज, चलिए राज्यसभा। उसके बाद भारतीय नौसेना के पूर्व चीफ एडमिरल सुनील लांबा को किस देश ने प्रतिष्ठित जैसा जेमिलंग टेरेंटा मेधावी पदक से सम्मानित किया है, अरे भैया किसने कर दिया, सिंगापुर ने कर दिया, सिंगापुर ने किया, नंबर 111। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस अदालत के रिटायर्ड चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति कमल नारायण यानी कि के.एन. सिंह का निधन 8 सितंबर को हो गया। 8 सितंबर बोले तो वर्ल्ड लिटरेसी डे, 8 सितंबर महारानी के जाने का डे, 8 सितंबर बोले तो भैया और भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना, तो करेक्ट आंसर इज सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 1773 एक्ट के तहत 1774 में की गई थी, कलकत्ता में की गई थी, पहले एलिजा एमपे थे, वर्तमान में कौन है, यू ललित है, और भारत के अगर बात करें मुख्य न्यायाधीश के द्वारा भारत के चीफ जस्टिस को शपथ दिलाई जाती है, ये 49 नंबर के हैं, इससे पहले 48 नंबर के थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात करें तो गणतंत्र में 1950 में स्थापित किया गया था, 1935 के अधिनियम से लिया गया है, ये सब कुछ किसके बारे में है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में है। और अगला क्वेश्चन नर्सरी क्लास का ये रहा, महान खिलाड़ी सेरेना विलियम्स जो कि टेनिस से है, क्या है ये, किससे है ये, सेरेना विलियम्स टेनिस से है, टेनिस से है, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की प्लेयर है, वीनम सेरेना विलियम्स और बेटा वीनस विलियम्स, इनको बोलते हैं बेटा विलियम्स सिस्टर, है ना, विलियम सिस्टर के नाम से जाना जाता है, सेरेना विलियम्स और विलियम विलियम्स, ठीक है ना, तो टेनिस इसका आंसर होगा, टेनिस, इतना समय नहीं लेंगे फटाफट से। हाल ही में पीएमएलए अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, चलिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ ए पीएमएलए अपीलेटेड द ट्रिब्यूनल, चंद्र प्रकाश, रवि किशन टक्कर, मुनीश्वर नाथ भंडारी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, द करेक्ट आंसर इज मुनीश्वर नाथ भंडारी, सबको समझ में आ रहा होगा, पहले करा चुके हैं कई बार। हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने किस राज्य में गुलाम अली, बस लैंग्वेज चेंज कर दिया है, जम्मू कश्मीर को भैया, जम्मू कश्मीर। हाल ही में यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल, 2022 और यूएस ओपन और पुरुष एकल तो भैया कैप्सर रूड जे सेलिब्री कार्लोस अल्क्राज गॉर्फिया, चलता जमाना है, बदलता जमाना है, नवयुवक कार्लोस अल्क्राज गॉर्फिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, हाल ही में 2022 में इतालवी F1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीत ली है, हु हैज रिसेंटली वॉन द 2022 इटालियन फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स, लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टैपन, वाल्टेरी बोटास, इनमें से कोई नहीं, द करेक्ट आंसर इज फटाफट से मैक्स वर्स्टैपन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता पर एक समिति का गठन कर दिया कि उस पर आर्टिकल 40 को समान नागरिक संहिता बोले तो बेटा आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता ने आर्टिकल 44 पर एक समिति का गठन कर दिया। मेघालय मिजोरम उत्तराखंड इनमें से कोई नहीं। चलिए नर्सरी क्लास का द करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड। किस देश की क्रिकेट टीम के कप्तान ने एरॉन फिच ने ओडीआई वनडे इंटरनेशनल मैच से संन्यास लेने का फैसला कर लिया है। विच कंट्रीज
क्रिकेट टीम कैप्टन एरॉन फिंच हैज डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम ए ओडीआई मैचेस इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड और पाकिस्तान. ऑस्ट्रेलिया. भारतीय रेलवे का कुल राजस्व पिछले वर्ष की इस अवधि की तुलना में अगस्त में बढ़ गया है 38%. सोचना ही नहीं है कितने परसेंट. 38% बढ़ा दिया भैया, 38%. चलिए अगला क्वेश्चन. भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी अगले वर्ष 2023 में दिल्ली में कब करेगा. दिल्ली में कब करेगा G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी अगले वर्ष 2023 में भारत कब करेगा. कब करेगा बेटा, तो ये करेगा सितंबर 2023 में होगा. चलिए, किस वायरस के संक्रमण के की वजह से देश के कई राज्यों में लगभग 57,000 से अधिक मवेशियों की मौत हो गई. ड्यू टू विच वायरस इन्फेक्शन मोर देन 57,000 कैटल डाइड इन मैनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री. हंटा वायरस, कोरोना वायरस, पुमाला वायरस, कैप्री वायरस. आंसर क्या होगा. द करेक्ट आंसर इज कैप्री पॉक्स वायरस. इसी को कैप्री पॉक्स वायरस जो है बेटा, ठीक है, वायरस है, इसी को बोलते हैं लंपी वायरस. कंफ्यूज होता ना बेटा, लंपी वायरस. क्या बोलते हैं, लंपी वायरस. किस प्रोजेक्ट के तहत बनने वाली स्वदेशी, किस प्रोजेक्ट के तहत बनने वाली स्वदेशी स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट तारागिरी नंबर 3 की है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तारागिरी को समुद्र में लॉन्च किया गया 17A. ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक भी मत छोड़ना. 17A. आयुष मंत्रालय हर साल धनवंतरी जयंती पर आयुर्वेद दिवस मनाता है. 2022 में या किस दिन मनाया जाएगा, 2022 में किस दिन मनाया जाएगा, फटाफट से. आंसर किसी का आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं बेटा. ये होगा आपका, क्या आंसर होगा चलिए बताइए. वेरी गुड. किसी बच्चे का आंसर आ रहा है 12 अक्टूबर. वेरी गुड. बस दो ही बच्चे आंसर नहीं, हाँ बता रही 22 अक्टूबर. शाबाश, वेरी गुड. मैंने उस दिन बताया था इनमें से कोई नहीं, किसी को याद आ रहा होगा, इनमें से कोई नहीं. इसका आंसर क्या था, 23 अक्टूबर. हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, फटाफट से. हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, जल्दी. September 14 विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं. दस जनवरी. निम्नलिखित में से कौन सा राज्य December 2022 में पहली बार रणजी ट्रॉफी की मेजबानी करेगा. कौन सा राज्य है जो December 2022 में पहली बार रणजी ट्रॉफी की मेजबानी करेगा. त्रिपुरा, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश. तो आंसर क्या होगा जल्दी फटाफट से. सिक्किम. एक क्वेश्चन और, सिक्किम के सीएम का नाम क्या है. सिक्किम प्रेम सिंह तमांग. व्यायाम पर्वत प्रहार किस स्थान पर आयोजित किया गया. ये क्या गया बेटा आपका, कहां पर, लद्दाख में. व्यायाम पर्वत प्रहार
किस स्थान पर आयोजित किया गया था बेटा, ये कहाँ पर? अच्छा मेरे पास क्या लेट जा रहे हैं, कमेंट लेट जा रहे हैं। चलिए लद्दाख। भारत ने G20 शिखर सम्मेलन 2023 में आमंत्रित, भारत G20 शिखर सम्मेलन 2023 में आमंत्रित करने के लिए कितने देशों को गेस्ट कंट्री का दर्जा दिया, गेस्ट कंट्री का? चलिए गेस्ट कंट्री 5, 7, 9, 10, 5, 7, 9, 10 द करेक्ट आंसर इज 9। G20 2023 भारत नई दिल्ली 9। क्वेश्चन नंबर 50। हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया गया? हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? स्थापित किया जाएगा हरियाणा, हरी का आना, हरियाणा हरी का आना। AEBC अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्पोरेशन इंडिया का नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया फटाफट से? ध्रुव सिंह, विजय राठौर, संजय खन्ना, देव वर्मा। द करेक्ट आंसर इज, चलिए संजय खन्ना इज द करेक्ट आंसर। चौदह बड़े बैंकों का राष्ट्रगान कब किया गया था? 1969। हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया गया? हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? ये क्वेश्चन रिपीट है, आपको पता अभी हम लोगों ने किया था, गुजरात। हाल ही में कौन सा राज्य हिंसक कुत्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चल गया है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी जवाब तलब किया है। हाल ही में कौन सा राज्य हिंसक कुत्तों को मारने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लेगा? विच स्टेट विल रिसेंटली सीक द सुप्रीम कोर्ट्स नोट टू किल द वायलेंट डॉग्स? केरला, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा हाईलाइट हो गया। द करेक्ट आंसर इज केरला। सही जवाब क्या बेटा? केरल इज अ करेक्ट आंसर। तो केरला इसका आंसर होगा। उज्बेकिस्तान में पीएम मोदी को SCO से भाग लेने के लिए, ये हो चुका है आप लोगों का, है ना, ये 15 और 16 दो दिन, कब ये 15 और 16 सितंबर, 15 और भैया क्या 16 सितंबर, दो दिन शी जिनपिंग से ही बात हुई है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या होने वाला है। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री 2025 तक कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट लगाएगी? हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा 2025 तक कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाएगी? रिसेंटली वेयर विल द रिलायंस इंडस्ट्रीज बिल्ड अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट बाय 2025? अरे बाबा कमाल कर दिया आप लोगों ने तो। करेक्ट आंसर इज गुजरात। चलिए रामसर स्थल घोषित होने के 20 साल बाद वेम्बनाड झील क्या हो रही है बेटा? सिकुड़ती जा रही है। वेम्बनाड झील सुकड़ती जा रही है। ये किस राज्य में है? तो वेम्बनाड कहां पर है? सर आपने गलत कर दिया। अरे क्या गलत कर दिया भाई, क्या कह रहा है भाई, क्या गलत कर दिया बताना जरा एक बार। आंसर लिखो वेम्बनाड केरला। कौन सा गलत कर रहा भाई, क्या बता रहा है? क्या गलत करा है इसमें? हिंसक कुत्ते केरला। हाल ही में किस राज्य में सबसे बड़ा दुनिया का
हाल ही में किस राज्य में सबसे बड़ा दुनिया का हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति, हाँ ये गुजरात नहीं, ये हरियाणा में होगा, वो हड़प्पा लोथल है, ये लोथल है, ये हरियाणा। चलिए चलो आ जाइए। हाल ही में ट्विटर पर 50 मिलियन, इसका आंसर केरला, वेम्बनाड केरला। चलो हाल ही में ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं, 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले, फटाफट से 50 मिलियन पॉइंट फटाफट से। हाल ही में ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले क्रिकेटर, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन और विराट कोहली। द करेक्ट आंसर इज विराट कोहली इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला पॉइंट से, नीति आयोग हैज लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट नेशन इलेक्ट्रिसिटी फ्राइट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ई फास्ट। चलिए आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए आंसर। इलेक्ट्रिक फ्रेट एक्सेलेटर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिक फ्रेट एक्सेस फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिक फ्रेट एक्सेलेटर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट। तो सी आंसर आंसर है, द करेक्ट आंसर इलेक्ट्रिक फ्रेट एक्सेलेटर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी बी एस्टेब्लिश्ड रिसेंटली, हाल ही में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा, तेलंगाना, मणिपुर, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। चलिए हाल ही में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा, वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ होने वाला है, वानिकी विश्वविद्यालय। चलिए फटाफट से वानिकी विश्वविद्यालय, आंसर तो सभी का लगभग सही आ रहा है, तो वानिकी कहाँ पर होगा, तेलंगाना इज द करेक्ट आंसर। वानिकी कहाँ होगा, तेलंगाना में होगा वानिकी विश्वविद्यालय। नेक्स्ट, हाल ही में वरिष्ठ राजनयिक प्रकाश चंद्र को कहाँ भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, मलेशिया, इरिट्रिया, सिंगापुर और इटली। इटली द करेक्ट आंसर इज, चलिए क्या आंसर होगा, देहरादून, बिल्कुल सही, इरिट्रिया, इरिट्रिया। हाल ही में खाद्य सुरक्षा एटलस जारी करने वाला तीसरा राज्य कौन सा हो गया, झारखंड, झारखंड। विश्व खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस कब होगा, 16 अक्टूबर। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 6 सेंट्रल जेलों में एआरटी डिस्पेंशन सेंटर लॉन्च कर दिया है, असम। कोयला मंत्रालय वाणिज्यिक कोयला खनन नीलामी के तहत 5 राज्यों में ई नीलामी आयोजित की, आयोजित की बोले तो बेटा 8 खदानों में, किसमें, 8 खदान। अश्नवी वैष्णव में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन के वार्षिक प्रमुख कार्यक्रम 2022 में भाग लेंगे कहाँ, 2022 में भाग लेंगे कहाँ, तो 2022 में जो भाग लिया बेटा ये कहाँ पर, दिल्ली, कोई दिक्कत नहीं, कहाँ पर भैया, दिल्ली, दिल्ली। हाल ही में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है, शीर्ष स्थान पर बेटा आंध्र प्रदेश। दो बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, अब आंसर आपके हाथ में है। हाल ही में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्य की सूची में शीर्ष पर कौन रहा है, तो आंध्र प्रदेश रहेगा, कौन रहेगा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, हाल ही में जीन ल्यूक गोडार्ड का निधन हुआ है, वो कौन थे, तो गोडार्ड बेटा एक फिल्म निर्माता, क्या थे ये, एक फिल्म प्रोड्यूसर थे, फिल्म निर्माता। हाल ही में किसने नई किताब विल पावर लिखी है, विल पावर, हाल ही में किसने एक नई किताब विल पावर को लिखा है, सत्येंद्र प्रकाश, रवि किशन टक्कर, सोजार्ड मरीन, शशि थरूर। फटाफट से जल्दी क्या आंसर आया,
सोजर्ड मारिन, सोजर्ड मारिन बिल्कुल सही, सभी का आंसर बिल्कुल जबरदस्त, बहुत बढ़िया। मशहूर फिल्म निर्देशक जीन लोगार्ड का निधन 13 सितंबर 2022 को हो गया। उन्होंने अपनी मौत का क्या तरीका चुना था, मौत का तरीका क्या चुना था? रिनाउंडेड फिल्म डायरेक्टर जीन लुक गोडार्ड पास्ड अवे ऑन 13 सितंबर 2022। व्हाट वाज द मेथड ही चूज फॉर हिज डेथ? इच्छा मृत्यु, असिस्टेड सुसाइड, प्राकृतिक या अप्राकृतिक? तो असिस्टेड सुसाइड होगा, असिस्टेड सुसाइड। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पंजीकृत और गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को बाहर कर दिया, कितने हैं ये? गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, कितने हैं? 134, 182, 348, 253। द करेक्ट आंसर इज 253। क्या होगा? 253। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच जेएमएक्स 2022 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? हाल ही में भारत और किस देश की सेना के बीच जेएमएक्स 2022 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? श्रीलंका, बांग्लादेश, जापान, एक और निकला जेएमएक्स है। तो ये जे से क्या होगा? जापान। आई से क्या है? इंडिया। ई से क्या है? एक्सरसाइज, ठीक है, मैरिटाइम एक्सरसाइज इंडिया एंड जापान। भारत और क्या? जेएमएक्स भारत और जापान। भारत जिस प्रकार से सलाइनेक्स, सलाइनेक्स श्रीलंका और इंडिया के बीच एक्सरसाइज है, ऐसे बेटा जेएमएक्स भारत और जापान के बीच है, भारत जापान के बीच। पीएम मोदी को गांधीनगर, पीएम मोदी को गांधीनगर मुंबई, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, हरी झंडी दिखाएंगे। चलो भैया दिखा दो हरी झंडी, दिखा दो हरी झंडी। तो ये हरी झंडी बेटा का जल्दी बेटा और से 30 सितंबर 30 सितंबर 30 क्या भैया? सितंबर। नेक्स्ट, किस अभिनेता ने दक्षिण भारत में सबसे पसंदीदा, किस अभिनेता को लिखना या नेता ने दक्षिण भारत में सबसे पसंदीदा हिंदी अभिनेता का खिताब जीत लिया, हिंदी अभिनेता का खिताब जीत लिया, हिंदी अभिनेता, किस अभिनेता ने दक्षिण भारत में सबसे पसंदीदा हिंदी अभिनेता का पुरस्कार जीत लिया है? करेक्ट आंसर रणवीर सिंह, रणवीर सिंह इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में दूसरी बार भारत के अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? हाल ही में दूसरी बार भारत के अटॉर्नी जनरल कौन बनेंगे? राजेश वर्मा, मुकुल रोहतगी, प्रसाद के पाणिक्कर और पीसी घोष, पीसी घोष, मुकुल रोहतगी, रोहतगी। देश का सबसे वजनी ट्रस ब्रिज, देश का सबसे वजनी ट्रस ब्रिज वाहनों के उद्घाटन कहाँ किया गया? द कंट्रीज हैवीएस्ट ट्रस्ट ब्रिज वॉज सेट टू बी इनोग्रेटेड फॉर व्हीकल्स, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और हरियाणा। द करेक्ट आंसर इज देश का सबसे वजनी ट्रस ब्रिज। कभी कभी पूछ सकता है कि जो ट्रस ब्रिज है ये कला है ब्रिज को बनाने की, ये ट्रस ब्रिज की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है, दिल्ली मेरठ, उत्तर प्रदेश दिल्ली मेरठ, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, पूर्व अंपायर असद राउफ का दिल दौरा पड़ने से निधन हो गया, पूर्व अंपायर असद राउफ का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है, इनका संबंध किस देश से है? फॉर्मर एम्पायर, फॉर्मर एम्पायर असद राउफ डाइड हार्ट अटैक्स इज आल्सो एलाइज्ड इन मैच फिक्सिंग इज रिलेटेड टू, रिलेटेड टू पाकिस्तान, पाकिस्तान। टेनिस स्टार रोजर फेडर ने सन्यासी घोषणा कर दी है, इनका संबंध किस देश से है? रोजर फेडरर, रोजर फेडरर ने सन्यासी घोषणा कर दी। स्विट्जरलैंड, नेक्स्ट, कृत्रिम वर्षा और जाम लगाकर जांच की जाएगी उस ई हाईवे की, किसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम होने वाली है, दिक्कत कौन कौन सी है? द प्रॉब्लम ऑफ ई हाईवे विल बी चेक्ड बाय आर्टिफिशियल रेन एंड जैम, विच हाईवे इज दिस? दिल्ली मेरठ, दिल्ली जयपुर, दिल्ली हरिद्वार, दिल्ली मुंबई, दिल्ली मुंबई। तो बेटा दिल्ली जयपुर हाईवे, दिल्ली जयपुर हाईवे। फूलों की घाटी को 17 सितंबर तक बैन कर दिया गया है, नहीं खुलेगी। फूलों की घाटी
कि शहर 17 सितंबर तक नहीं है, यह कहाँ से था? विजिट द वैली ऑफ फ्लावर्स नॉट टिल सितंबर 17, वेयर इज इट लोकेटेड? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर? जम्मू कश्मीर, जल्दी, उत्तराखंड। हाल ही में कैबिनेट ने कितने राज्यों में एसटी की सूची में संशोधन को मंजूरी दे दी? संशोधन को मंजूरी दे दी। 4 स्टेट होने चाहिए, कितने होंगे? 4 स्टेट। अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में? फुटबॉल की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? फुटबॉल, अंडर 17 महिला विश्व कप फुटबॉल का आयोजन किस देश में होगा? जल्दी, इंडिया, भारत में होगा, बिल्कुल सही, इंडिया में होगा। हाल ही में किस देश में अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान को $16 जेट पैकेज दिए जाने पर चिंता जताई है? इन विच कंट्री इज रिसेंटली एक्सप्रेस द कंसर्न ओवर द डिलीवरी ऑफ F-16 जेट पैकेज बाय द US टू पाकिस्तान? इंडिया, इंडिया। विश्व ओजोन दिवस अभी बताया था मैंने, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? When is World Ozone Day celebrated? 8 September, 5 September, 16. 8 September, World Literacy Day. World Literacy Day. 5. National Teacher Day. National Teachers Day. 16 September, Ozone Day. ओजोन डे। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है? विच इंडियन क्रिकेटर रिसेंटली अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट? ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, रॉबिन ओथप्पा, थप्पा मारा रोबिन ने। किस राज्य सरकार ने न्यूनतम वेतन में 67% की वृद्धि कर दी है? विच स्टेट गवर्नमेंट? हमारे 84 क्वेश्चन हो चुके हैं, लगभग 6 क्वेश्चन बचे हैं और पूरे वीक का रिवीजन, डेली रिवीजन, डेली वन लाइनर्स, डेली स्टेटिक्स जीएस, कंप्यूटर के क्वेश्चन, हिस्ट्री के क्वेश्चन, पॉलिटी के क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन आप डेली कर रहे हैं। न्यूनतम वेतन 67% आंसर क्या होगा? चलिए, सिक्किम सभी का सही, सिक्किम सभी का सही। हाल ही में भारत ने राजनयिकों के प्रशिक्षण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? विद विच कंट्री इंडिया रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट फॉर द ट्रेनिंग एंड डिप्लोमेट्स? ऑस्ट्रेलिया, मालदीव, मेडागास्कर, अफगानिस्तान? चलिए, मेडागास्कर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा की कि वह कन्नड़ भाषा को अनिवार्य करने के लिए कानून बनाएगा? तो कर देगा ऐसा काम कौन? कर्नाटक। विनेश फोगाट ने सर्बिया में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ब्रॉन्ज कांस्य पदक। भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया, डिक्लेयर द इंडियाज बेस्ट जू सर्किल, दिल्ली, चेन्नई, मैसूर, दार्जिलिंग? द करेक्ट आंसर इज दार्जिलिंग। हाल ही में नरेश कुमार का निधन हुआ, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? रिसेंटली नरेश कुमार पास्ट अवे, ही इज रिलेटेड टू विच फील्ड? चलिए,
टेनिस खिलाड़ी, खिलाड़ियों में टेनिस। मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य नंबर वन पर रहा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर या गुजरात? आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश मेरे भाइयों कंप्लीट। 90 क्वेश्चन लगभग डेढ़ घंटा, 90 क्वेश्चन करा दिए। कल सुबह 5:30 बजे और आज रात को शाम को एक बार मिलूंगा पेपर के सॉल्यूशन में। जो बच्चे ऑफलाइन पेपर दे रहे हैं या जो आसपास का बच्चा दे सकता है, वो हमारी तीनों ब्रांचों पे से कहीं भी ऑफलाइन पेपर आप जाके दे सकते हैं, हमारे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स या ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स, उसमें कुछ अलग से करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप जाएंगे सीधा अपना क्या करेंगे, अपना एग्ज़ाम देंगे, है ना, वहाँ पर अपना मॉक टेस्ट देंगे और मॉक टेस्ट का सोल्यूशन जो होगा बेटा आज शाम को 7 बजे आपका होगा, ठीक है, मॉक टेस्ट का सोल्यूशन, ठीक है। आयुष नमस्कार मेरे भाई, चलिए तो शाम को 7 बजे मॉक टेस्ट और कल मॉर्निंग में 5:30 बजे क्लास दोबारा से। 90 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है बेटा। कल सुबह फिर आपसे लोगों से मिलेंगे, जिसको मॉक टेस्ट देना हो मोस्ट वेलकम है। SD कैंपस में आप लोगों का फिर आप लोग एक दो बात और मुझे बता नहीं गई नहीं है बतानी है, आई डोंट नो व्हाट आर यू सेइंग, क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है बेटा। तो आपसे फिर मिलेंगे कल सुबह कितने बजे, 5:30 बजे और आज शाम को कितने बजे, आज शाम को आप लोगों को 7 बजे ऑफलाइन मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू टू यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जिंदाबाद, थैंक यू। हाँ, कौन सी एक बार और बताओ, कौन सी बात बतानी है बताइए। PDF आप लोगों को बेटा जो मिलेगी वो हमारे ऐप पर मिलेगी। हमारे ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप जाएंगे प्ले स्टोर में और SD कैंपस के नाम से ऐप डाउनलोड करेंगे, सारी PDFs और सभी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पर मिलेंगी। सेशन को लाइक और शेयर करना बोलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जिंदाबाद, थैंक यू वेरी मच।